नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे एमजी फैमिली किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की रेसिपी है चावल की आटे का चिल्ला। वो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिया है, देख सकते हैं, और मीडियम साइज़ को यहाँ पर मैंने प्याज बारीक से काट लिया है। हल्दी पाउडर 6-7 हरा मिर्च को बारीक से काट लिया है। 2 स्पून हरा धनिया, इसको भी बारीक से काट लिया है, और नमक। आज मैं बिना ऑयल और बिना घी से सिर्फ इस तरह से केले के पत्ते पर मैं आज चावल के आटे का चिल्ला बनाऊंगी। वो बहुत ही हेल्दी होता है इस तरह से बनाने से, देख सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से 3-4 बार धो के लिया है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उस पर मैं ये चावल का आटा डाल दूँगी और उसके बाद प्याज 1/2 स्पून, हल्दी पाउडर अगर आपको पसंद है तो तभी ही डालिएगा, नहीं तो मत डालिएगा। स्वाद अनुसार नमक, हरा मिर्च और धनिया, इन सारे चीज़ों को मैं अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी लिया है और इस पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छी तरह से घोल यानी बटर बना लूँगी। अगर आपको कोई वेजिटेबल डालना हो तो डाल सकते हैं अपने मनपसंद का। देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बटर बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बटर बनके तैयार हो चुका है। इस तरह का ही हमें बटर चाहिए था। और दूसरी तरफ हमारा ये तावा भी लगभग गर्म हो चुका है। अब मैं इसे एक केले के पत्ते इसके ऊपर रख दूंगी। उसके बाद मैं कलछी भर के 1 स्पून बटर डाल लूँगी। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, देखिए अब इस तरह से मैं फैला दूंगी। इस तरह से बनाया हुआ केले के पत्ते पर चावल का आटा चिल्ला बहुत ही टेस्टी होता है। और इसका केले के पत्ते पर जितना कच्चापन का फ्लेवर है सब इस आटे के, चावल के आटे के चिल्ले पर आ जाता है, इसीलिए इसका टेस्ट और ही बढ़ जाता है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। अब मैं इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, 2-3 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे पलट दूँगी और इसको भी 2-3 मिनट तक इसी तरह से मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। इस तरह से बनाए हुआ चावल की आटे के चिल्ले बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। इस तरह का रेसिपी आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारा लगभग हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट पर डाल दूंगी। ये देखिए, इस तरह से इसका ऊपर का हिस्सा निकल लिया और नीचे का भी, ये देख सकते हैं। वाह, बिना तेल में भी कितनी अच्छी तरह से हमारा आटे का चिल्ला बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं बचा हुआ को भी बना लूँगी। ये देखिए, दूसरा भी मैं डाल रही हूँ इस तरह से। इस तरह का रेसिपी आप लोग एक बार घर पर ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाकर खाइएगा। कैसा बनता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देखिए, दूसरा भी हो चुका है। अभी मैं बचा हुआ को भी इसी तरह से बना लूँगी।
ये देखने में अंडे जैसे लगता है, लेकिन ये चावल का आटा का चिल्ला है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बचा हुआ को भी बना लिया है, इसको भी मैंने अभी प्लेट पर निकाल लिया है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चावल का आटा का चिल्ला बनके तैयार हो चुका है। इस चिल्ले पर ना मैंने ऑयल डाला है ना घी डाला है, सिर्फ केले के पत्ते पर मैंने इस चावल का आटा का चिल्ला बनाया है। इस तरह का रेसिपी आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा बनता है। आशा करती हूँ इस तरह का रेसिपी आप सभी लोगों को ज़रूर ही पसंद आएगा, और इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।